बात बिहार की ही प्रशांत किशोर की। पीके ने बिहार की राजनीति में पैर जमाने और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ दिखाने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। पीके एक तरफ संघ यानी आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों पर डोरे डाल रहे हैं। बिहार में अपनी जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों पर हमला बोला है। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर का ये दांव चलेगा? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये हैं प्रशांत किशोर। राजनीति में इनके नाम से यकीनन हर कोई वाकिफ होगा। पहले प्रशांत किशोर की पहचान चुनावी रणनीतिकार के तौर पर होती थी, लेकिन अब इनकी भी राजनीतिक पार्टी है जनसुराज। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से भी जानते हैं, आजकल बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं, क्योंकि 2025 यानी अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव है। इसलिए प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, आप खुद पीके से ही सुनिए। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलके सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। पीके ने सीधे संघ यानी आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला है और आजकल गांधीवादी नीतियों की बातें कर रहे हैं। अभी तक तो प्रशांत किशोर चुनावों में कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, इसका आकलन और भविष्यवाणी करते आए हैं, लेकिन आज वो बिहार में जन सुराज को लाने के लिए मेगा प्लान की घोषणा कर रहे हैं। वो मेगा प्लान क्या है वो आपको बताएं। उससे पहले दिखाते हैं प्रशांत किशोर क्यों मशहूर हुए, राजनीति में उन्हें चुनावी मैनेजर और रणनीतिकार की उपाधि कैसे मिली। प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 2011 में हुई, जब उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीतियां बनाई। 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी की ऐतिहासिक जीत के पीछे प्रशांत किशोर की रणनीति का बड़ा योगदान माना जाता है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई। अपनी इस रणनीति में भी प्रशांत किशोर सफल हुए और नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और कांग्रेस को जीत दिलाई। प्रशांत किशोर ने 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लिए भी रणनीति बनाई और जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश का सीएम बनने में एक अहम भूमिका निभाई। और इस वक्त की राजनीति में जहां इंडिया गठबंधन वाले जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, ऐसे में पीके नया जन सुराज दल बनाने का फॉर्मूला लेकर आए हैं और 2 अक्टूबर को इस दल के बनने की घोषणा कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीके जन सुराज दल में मुस्लिमों की हिस्सेदारी और आबादी के बराबर भागीदारी की बात कह रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर का मुस्लिम वाला फॉर्मूला। 2 अक्टूबर को जब ये जन सुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए, ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं, जो दल है वो एक ही दल है।
और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। प्रशांत किशोर जी एक अच्छे मैनेजर रहे हैं, चुनावी मैनेजर, और सबके मैनेज किए हैं वो, तो सोचे कि सबको मैनेज करते करते अपना मैनेज क्यों ना कर लूं। और जनता जानती है कि जो व्यक्ति बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर जनता के बीच वातावरण बना करके सरकार बनाने का दावा पेश किए हैं, वह मानसिकता बिहार की जनता नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र में निवास करने वाले लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जनता का सेवक कौन हो सकता है। प्रशांत किशोर ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल यानी 2025 में जन सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, और इस घोषणा के साथ पीके तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार पर भी अटैक करते हैं। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे, यात्रा पर क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का दुगो चार को फोटो जारी करेंगे, दुगो मुरेठा बांधेंगे, चार को लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये लोग कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। आइए बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख एक साल में दे देंगे। देखिए उन्हें अभी सियासत में आए बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है और वो कई पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में पहले रहे हैं। बड़ी बातें कर रहे हैं इसलिए कि उनको पहली राजनीतिक पारी खेलनी है। देखिए इस तरह के फॉर्मूले से वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत लेंगे ये बिल्कुल ही बेमानी और कोरी कल्पना के सिवाय कुछ नहीं। और तो और प्रशांत किशोर तेजस्वी के बारे में कहते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के बेटे से ज्यादा कुछ नहीं। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? तेजस्वी यादव ने समाज के लिए कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जिसके लिए हम उस पर टिप्पणी करें? तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं, लालू यादव का दल है RJD, तो उसके वो नेता हैं। आपका अपना दुकान है तो आपका लड़का उस दुकान का मालिक बन जाएगा, उसके लिए उसको कुछ परिश्रम तो करना नहीं है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने संघ परिवार मुसलमानों से प्यार का जो फॉर्मूला तैयार किया है क्या वो उनकी चुनावी प्रयोगशाला में कामयाब होगा? आरा से सोनू कुमार सिंह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक।